अयोध्या की सड़कें सज धज कर तैयार हैं। शहर के गली चौराहे से लेकर सरयू नदी के घाट भी रोशनी से जगमग है। अयोध्या में आज 500 साल बाद राम वाली दिवाली है। अपने आराध्य के स्वागत में रामनगरी तैयार है। नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। जाहिर है इस बार तैयारियां भी भव्य और दिव्य की गई हैं। इस बार 25 लाख दियों से पूरे शहर को रोशन किया जा रहा है। राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल, चौधरी चरण सिंह घाट पर 28 लाख दियों को संयोजित किया गया है। इनमें से 25 लाख प्रज्वलित दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का टारगेट रखा गया है। यहां मंगलवार देर शाम तक 55 घाटों पर दियों की गिनती होती रही। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सलाहकार निश्चल बारोट के नेतृत्व में 30 सदस्यों की टीम ने सरयू के 55 घाटों पर ड्रोन के जरिए दियों की गिनती की। वहीं राम मंदिर परिसर को दीपोत्सव के लिए 7 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में 100-100 की कतार या विशेष आकृति का स्क्रेच तैयार कर दीप सजाए जाएंगे। यहां 51,000 दीप समायोजित किए जाएंगे और शाम 6 बजे से प्रज्वलित किए जाएंगे। ये दीप 3 घंटे तक अनवरत जलते रहेंगे। रामकथा पार्क के पास हेलीपैड पर भरत मिलाप कार्यक्रम होगा। यहां पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी आएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे और रामकथा पार्क में भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 1,100 लोग सरयू नदी के तट पर विशेष आरती करेंगे।